सुरजान सरस्वती नगर स्थित SHJ डिवाइन कॉन्वेंट स्कूल में आज 10वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा द्वारा बताया गया कि हमारे स्कूल में 10वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जो कि हर वर्ष इसी तरह आयोजित किया जाता है। लगभग 300 बच्चे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह, SP श्री राजेश कुमार और कवि मंजुल मयंक भारद्वाज और नूतन राठौर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दसवां वार्षिक कल्चरल और स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन हुआ है। यहाँ बच्चों ने प्लेबैक ग्रुप से लेके और क्लास 8 तक के प्रतिभा किया है, नई नई एक्टिविटी की हैं, स्पोर्ट्स में इन्होंने पूरी मेहनत की है, उसमें इन्होंने प्रतिभा किया है। हमारी चीफ गेस्ट नूतन राठौर भी आई थी, वो देख के बच्चों को काफ़ी प्रभावित हुई थी। ये तमाम स्पोर्ट्स इवेंट जो है बच्चों के कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और उनकी व्यक्तित्व को निखार के लिए जो हमारा आवश्यक है उसको हम कराते हैं। काफ़ी स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हुए, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं यहाँ के बच्चे और इसका जो परफॉर्मेंस मैंने देखा, मैं देख सकती हूँ कि हर तरह से बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाई जा रही है, उनकी क्रिएटिविटी दिखाई जा रही है, उनमें कुछ नया सीखने का जो जुनून है उसका मैं पूरा क्रेडिट देना चाहती हूँ। यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर हैं मेरे साथ हैं श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी, यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम हैं मिसेज श्वेता गुप्ता जी। हमारे विद्यालय को आज 10वां वर्ष है और ये प्रोग्राम हमारा स्पोर्ट्स के ऊपर है। हमने सोचा बच्चों में कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थॉट, हार का सामना करना, ये सारी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स का। हमने इस बार अपने इसमें स्पोर्ट्स का प्रोग्राम रखा है और बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक प्रस्ताव किया है। हमारा सारा SHJ स्कूल की जो भी फैमिली है, सो पूरी टीम है, उनके साथ लगी, आप देख रहे होंगे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने भी हर प्रोग्राम में भाग लिया है। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? हमारे करीब 500 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और हमारी कोशिश ये रही कि हम 100% इसमें कराएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़, फिरोजाबाद।